अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है? हाँ सबसे पहले तो बेटा यार बड़ी एक मायूसी सी हो रही है आपकी तरफ से पढ़ाई के हवाले से। यार पेपर देना है इस दफा यार। बहुत कम लोग हैं यार जो, बल्कि अब तो बहुत कम से भी कम शायद कहना चाहिए, जो थोड़े से सीरियस रह गए। पेपर देना भाई। अच्छा तो मेरा ख्याल है बेटा ये जो 2 हफ्ते पेपर आई आपने आगे कर दिए, ये अब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैक्सिमम थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया हमें 2 हफ्ते, तो एक बहुत अच्छा एक चांस है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकें। लेकिन आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं महसूस हो रहे, आपके जो टेस्ट के रिस्पॉन्स हैं, पहले कुछ क्वेश्चन वगैरह भी आप पूछ लेते होते थे टीएस वगैरह से, उस तरफ से भी मुझे काफी रिलैक्स एनवायरनमेंट लग रहा है। क्या वजह है? अब क्या वजह है सर? अब तो घर का माहौल भी है, हॉस्टल्स की टेंशन भी नहीं है, अब क्या वजह है सर? कोई तो वजह है ना, क्या को वजह? व्हाट्सएप पे हाँ? मैसेज ब्लॉक है सर, आज से रेगुलर हो गए, समझ आ जाती है व्हाट्सएप और दो बंदों की शादी थी आज से शाह साहब क्या हो हमारा? शादी शाह साहब अपनी शादी का क्या प्रोग्राम है आपकी? यार अपनी कोई टेंशन नहीं शाह साहब, मोहल्ले की शादी में कब तक एंजॉय करते रहेंगे? हमें अपनी शादी के चावल कब खाएंगे? लोगों के खाते खाई जा रहे हैं आप। बहरहाल मेरा ख्याल है बेटा, एक छोटा सा एक रिमाइंडर के तौर पे मैंने बात की है, मेरी कंपैरेटिवली कम मायूसी खत्म हो सकती है आपकी तरफ से पढ़ाई के सिलसिले में। आप लोगों ने मायूस किया मुझे, क्या मैं अज्यूम करूं कि कुछ आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आएंगे? तो सर जी ये कैसे होगा, ख्यालों में हो जाएगा सर। शाह साहब, अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब, ये कैसे होगा? सुस्ती से हो जाएगा सर। थोड़ा बेटा काइंडली स्टडीज को सीरियस लें, कोशिश करें यार, इससे ज्यादा आइडियल एनवायरनमेंट नहीं आ सकता सर पढ़ाई के हवाले से। बहुत सी फजूलियात से बचे हुए हैं आप। मेरे ख्याल एक दफा पहले भी बात हुई थी, यकीनन कुछ नेगेटिव्स हो सकते हैं लेकिन पॉजिटिव शायद ज्यादा है पढ़ाई के हवाले से कम अज कम। ठीक है सर, खासतौर पर जो हजरात हॉस्टल्स में रहते थे, लाहौर में हॉस्टल में आके रहते थे, मेजोरिटी अब में से वही हो गई है, बताएं पॉजिटिव नहीं है पढ़ाई के एंगल से? कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव नहीं है? तो बट आई होप के ये बार बार अब आपको दोबारा याद कराना जरूरी नहीं होगा। चीजें तो आपके बेटा सामने है, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फिर वो मजा नहीं है। चीजें तो बहुत सारी होती हैं, हर चीज हर क्वेश्चन में एक नई चीज निकल आती है। ओके फिर आई मस्ट अज्यूम कि मैं अपना मैसेज कन्वे कर सका हूँ। सब लोगों को रियलाइज हो गया है कि थोड़ी सुस्ती है वैसे। ठीक है फिर चले, आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 में करवा रहा था, जस्ट 1 मिनट इसकी जरा बी रिक्वायरमेंट खत्म करने, फिर मैं वो क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ जो शायद मैंने घर के लिए दिया था। ये इसकी रिक्वायरमेंट ये समझ आ गई थी सबको? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने खुला हुआ है। शाह साहब सर क्या जवाब है?
जी बेटा काइंडली बी रिक्वायरमेंट है, चलिए टेक इट सीरियस है, थोड़ी सी आपने हेल्प करनी है, क्या मांग रहा है? डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्पेट्स एंड रग्स दैट मस्ट बी सोल्ड इफ द एमपीएल विशेस टू मेंटेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वलेंट टू 10% ऑफ बजटेड सेल्स। कैलकुलेटर उठाएं, बताएं कितने प्रॉफिट के लिए क्या मांग रहा। अमाउंट बताएं, फिफ्टी मिलियन ठीक है, कितने लोगों ने कहा? ये बजटेड सेल बेटा पर गिवन है 500 मिलियन, तो 500 मिलियन इनटू 10% अगर मैं पूरा लिखूं तो 50 मिलियन बनता है, 50 मिलियन 50,000, हम शायद थाउजेंड्स में वर्किंग नहीं कर रहे थे, पूरा लिख रहे थे, तो 50 मिलियन है सर। लेकिन सर ये कहता 50 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, कुछ तो याद है एक बात एक कुछ दिन पहले हुई थी, अगर टैक्स इन्वॉल्व हो तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टारगेट प्रॉफिट अगर विद टैक्स इन्वॉल्वमेंट हो एज ए मैं ढूंढ लूं, आप काइंडली रिकॉल करें जरा बताएंगे जरा मुझे लाइन में लागे जरा मैं ढूंढने की कोशिश करूं शायद लिखा मिल जाए। ये नहीं टीएफसी के बाद क्या कहा ना प्लस बीएडी पीएटी कौन सा है सर बड़ा कुछ मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल आप कोई और बड़ा बड़ा सब बताएं यार मुझे मैंने मिटा दिया हमने रजिस्टर में लिखा होगा मेरे पास इस वक्त लिखा मुझे नजर नहीं आ रहा अभी बुक में तो खैर लिखा होगा लेकिन मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे हमने डिस्कशन की हो वो शायद मैंने मिटा दी बाद में ये स्नैन बेटा दोबारा नहीं यार सर ये एक डिस्कशन हुई थी यार अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से वर्किंग करनी है या बिफोर टैक्स से वर्किंग करनी है सर बेटा सही रिकॉल करें यार स्पीड अप हो रहे हैं क्वेश्चन खत्म करें तो है यार फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट असाइन बेटा कुछ याद आया अगर प्रॉफिट सॉरी टैक्स इन्वॉल्वमेंट है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर उठाना है तो फिर टैक्स जमा करें और फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेकिन बड़ा अगर मल्टाई प्रोडक्ट सिचुएशन हो जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह कंट्रीब्यूशन पर बैच लेकिन एक डिसाइड ये हुआ था कि कॉमनली यूज्ड वर्ड इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी बेटा स्नैन कुछ याद आ गई कंडी बातें याद आ गई है ना जी बेटा बाकी भी क्लियर है प्लीज एक दफा काइंडली रिमाइंड रिमाइंड हो गया रिवाइज हो गया जिनमें यार बता दिया कि नहीं यार क्या हो गया तो आए जरा बस एक मिनट से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए इस रिक्वायरमेंट को क्या करूं यूनिट्स निकालने लेकिन मल्टाई प्रोडक्ट सिचुएशन में यूनिट्स तक पहुंचने का तरीका यही है कि पहले बैचेस निकाले जाएं बात याद रखनी है यकीनन कारपेट्स और रग यूनिट्स के नाम है स्टोरी में लेकिन पहले आप बैचेस निकालेंगे और काइंडली बेटा फिर उन बैचेस से यूनिट्स ऑफ कारपेट्स एंड रग्स बाय मल्टीप्लाइंग द सेल मिक्स फाइंड आउट करेंगे
तो एक दफा काइंडली फिर जरूर मेरे साथ सोचें, कंसंट्रेशन रखें। ये टोटल फिक्स कॉस्ट बेटा क्या फाइनल होगी थी स्टोरी में, 65 मिलियन, लेकिन अब उस 65 मिलियन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड करना है। अच्छा ये भी कंसंट्रेशन से सुनना है, ये भी कि मिस्टेक ना कर दीजिएगा। ये सर जी 65 मिलियन प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 50 मिलियन आ गया है। टैक्स रेट अब 35% है, रिवर्स वर्किंग करनी पड़नी है। मतलब ये जो 32 मिलियन दिया हुआ यहाँ 32.5, यहाँ असल में 50 मिलियन होना चाहिए इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मतलब इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर यहाँ 50 मिलियन रखना है तो फिर हमें कितने यूनिट्स बेच के रेवेन्यू कमाना है, ये बात हो रही है। तो अब इस 50 मिलियन को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ी सी हेल्प मेरे ख्याल आप कर सकते हैं मेरी। 35% टैक्स रेट सवाल में दिया हुआ है, क्या करूँ? Is it 100% or 65% after-tax profit? Kindly सब बताइएगा प्लीज। डिवाइड बाय क्या करूं इसको और मल्टीप्लाइड बाय कितने लोगों ने बताया, काफी सा ये फिगर बताइएगा। फिफ्टी मिलियन डिवाइडेड बाई 65 × 100 7692307777 चलें राउंड अप हो गया जी सर। 65 मिलियन प्लस 7692307 कंट्रीब्यूशन पर बैच बेटा हम निकाल चुके हैं, कहीं ढूंढ लें, मेरा ख्याल है कि आप ढूंढ लेंगे, वर्किंग होगी होगी कल। कंट्रीब्यूशन पर बैच पहले मिटा दिया वो मैंने, कंट्रीब्यूशन पर बैच ढूंढे जी 9200 आया था शायद। बहरहाल मैं अभी कोशिश करता हूँ आपकी ये आपके कॉन्सेप्ट जरा फाइनली बिल्कुल क्लियर कर दूं। ये आप आंसर बताएं सर, 65 मिलियन प्लस कर रहे बीच में डिवाइडेड बाय 9200 1500 अप्रोक्सीमेटली 1500 and 426 बैचेस पर राउंड अप हो जाएगा, और इन बैचेस को मल्टीप्लाइड बाय 1 and 4 तो 15426 कारपेट्स हैं, और मल्टीप्लाइड 4 15426 × 4 61704 रग्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मेरा ख्याल यही है। नोट कर लें प्लीज, ओके जी क्लियर हो गया प्लीज। अच्छा इन इन कारपेट्स और रग्स को बेच के क्या होना है जरा बताएंगे, क्या होना क्या है इससे, ब्रेक इवन होना? स्पीड अप हो रहे सर जी प्लीज, इन कारपेट्स और रग्स को सेल करके क्या होना है?
सर ये पीपीटी कैलकुलेटर पे आया है, कौन सा भाई? ये इन कारपेट्स एंड रग्स पे बेटा क्या होना है बताइएगा कांड, इन कारपेट और रग्स पे क्या होना है अल्टीमेटली, सही आंसर दीजिएगा। सर वैसे ही दिया जैसे लेना चाहिए था जी, कोई और नहीं इसके अलावा आंसर आ रहा? अच्छा बेटा एक छोटी सी वर्किंग जरा कैलकुलेटर पे कम से कम जरूर कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा क्लियर अगर कर लें हम। असल में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट याद है, एक कारपेट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताएं, कारपेट और रग्स रेस्पेक्टिवली की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताएं। ये मैंने जरा चीजें बता दी हैं, आपके पास डेटा लिखा हुआ है, 6000 और 3200। 3200 नहीं है यार, 800 है मेरा फलन, यार ना कराएं यार, ये 3200 किसने भेजा बेटा? ठीक क्या कर रहे हो यार, जाती है भैया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन के ही जा रहे हो यार। अतीक साहब मेडी रती, व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छा बेटा बस एक छोटी सी चीज में से सुन लीजिएगा, ये ना हमने बैचेस थोड़े से राउंड ऑफ किए हैं, ये 50 मिलियन में भी रिकनसाइल करवाता हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन यूनिट्स पे 50 मिलियन ही आना है, लेकिन थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से हमने कारपेट रक्स को राउंड ऑफ किया हुआ, तो कैलकुलेटर जरा पकड़िएगा, 15426 इंटू 6000 प्लस 61704 इंटू 800, एक अमाउंट आपके पास आई, कंसंट्रेशन सुनिएगा, ये इन कारपेट एंड ड्रग्स की कंट्रीब्यूशन आ गई है। मैं सिर्फ फिगर अगर लिखना चाहूंगा तो टोटल लिख रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 141919200 इज द कंट्रीब्यूशन आ गई है। अब इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट लेस होनी है ताकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ सके, तो व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? 65 मिलियन। मतलब मैं एक रिकनसाइल करवा रहा हूं कि क्या हमारी वर्किंग ठीक भी है, तो माइनस करें जरा 65 मिलियन, क्या आंसर आया? अप्रोक्सीमेटली 7, क्या आया? 7976919200। ये बड़ा थोड़ा सा 2-3-4 हजार रुपए का फर्क रह गया बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वरना 23,000 है वहां 19,000 है, तो समझ आइए बात। देन बड़ा फिर टैक्स इसमें से लेस होना है 0.35% टैक्स रेट है, तो 7691920 में से मल्टीप्लाइड बाय 0.35 अगर करेंगे तो ये बन गया 26921700, और अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अकाउंट कैलकुलेट करें 50 मिलियन के राउंड होना चाहिए असूलन, तो बताएं है सर 4997480, अप्रोक्सीमेटली ये 2-3 हजार रुपए का फर्क इस वजह से आ रहा है, ये बैचेस कुछ राउंड ऑफ किए थे, देयरफॉर ये कारपेट जरा ये लोअर साइड भी थोड़ा राउंड ऑफ किया था हमने, अगर आप कंफर्म होना चाहें तो 15,426 पॉइंट समथिंग बैचेस थे ये। बहरहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ आ गया? और बेटा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस की है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। अहमद शाह साहब ये क्या हो रहा है यार, व्हाट्स गोइंग ऑन? असलैन बेटा आपको पता चल गया 65% कैसे हुआ है, 35% टैक्स रेट है तो 65% प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स 65% है।
35% अगर टैक्स रेट है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% बच जाएगा। कौन सा में? हमेशा इस लेवल पे होता है सर, हर लेवल पे होता है, ये सिर्फ ब्रेक इवन लेवल पे होता है। ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ अहमद शाह साहब? क्या हर लेवल पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होती है सर? इज द ब्रेक इवन पॉइंट सर। कोई और बड़ा क्वेश्चन किसी का कर ली, कोई अच्छा सा सवाल भी कभी किया करें यार। 65 कहाँ से आया, 35 कहाँ से आया, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ से आई? प्लीज यार। देन बेटा मैंने ना आपको कल एक क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 9 बताइए जरा, अभी आप ही बताया करें यार, सवाल आपको दिए बताता मैं हूँ। नहीं ये बड़ा मैंने क्वेश्चन नंबर 9 दिया था सॉल्वेंट, इसमें यकीनन कुछ इश्यूज आए होंगे, कुछ ना कुछ बातें शायद आपसे डिस्कस होनी चाहिए। अटेम्प्ट किए? माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज अटेम्प्ट किया है। आप ऐसा कीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन आपके साथ इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही एक सवाल आपने और भी करके रखना है, क्योंकि वो दोनों फिर इकट्ठे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो इंशाल्लाह मेरी बात समझना अगर आपको आसान हो जाए। केपी की डेरीज जो था ना क्वेश्चन नंबर 8 7 आई थिंक 7 साउथ 7 को आपने एक दफा दोबारा आज रिवाइज करके, क्वेश्चन और बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हिमालयन रिवर्स, पेज नंबर मेरे पास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में होगा आपके पास, ये इस चैप्टर का पेज नंबर 37 है जो करंट मैंने चैप्टर दिया, ठीक ना, एक हिमालयन रिवर्स के नाम से। ये जरा साफ कीजिएगा, लेकिन आई रिक्वेस्ट काइंडली पहले क्वेश्चन नंबर 7 की डेरीज जो था ना क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक है 7 है ये, जो परसों की है यार, बल्कि चली फाइनल हुआ। केपी की डेरीज सॉल्वेंट और साथ ही फिर ये हो गया हिमालयन रिवर्स, इन तीनों को आज दोबारा देख के तो फाइनल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर कल खास तौर पे सॉल्वेंट, केपी की डेरीज होपफुली अब आपको क्लियर है, और ये हिमालयन रिवर्स इंशाल्लाह इकट्ठा डिस्कस करके वाइंड अप करता हूँ। इसमें इश्यूज हैं जरूर सॉल्व कीजिएगा, गिवन सिचुएशन में कब कैसे फिगर्स आती हैं जरूर आपने मेरे से दोबारा बात समझनी है। मीन वाइल इस तरह करें, हमारे पास थोड़ा टाइम 1 घंटा है, एक क्वेश्चन मेरे साथ अटेम्प्ट करें जरा। ये बीच में जरा ग्राफ है, लेकिन ग्राफ से पहले मेरा ख्याल पहले बाकी बातें जरा हो जाए तो बेहतर है। ये पेज नंबर 19 आपके पास हो गया इस चैप्टर का, आपने क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढना जरा, एबीसी लिमिटेड, और काइंडली क्वेश्चन की जरा रिक्वायरमेंट फिर आपने मुझे समझा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइए सर। एबीसी लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ परफ्यूम्स, द कंपनी हैज 3 ब्रांड्स टू कैटर फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कस्टमर्स, द सेलिंग प्राइसेस एंड द कंट्रीब्यूशंस मार्जिन्स एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स फॉर 2003
वर एज फॉलोज। तीन प्रोडक्ट्स लग रही ए बी एंड सी, 2013 का ये डाटा है, सेल प्राइस है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। आपको पता है कि सेल प्राइस और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वेरिएबल कॉस्ट की वजह से डिफरेंस होता है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है अगर जस्ट वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कह रहा है। तो 5,000, 5,000 और 3,000 वेरिएबल कॉस्ट है शायद पर यूनिट। कर लेंगे हिम्मत? देन वो कहता है टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2013 वाज 15,600 मिलियन। ये 15,600 मिलियन रुपीज है, मींस अगर हमने पूरी फिगर लिखनी हो तो इसके बाद भी 6 जीरो आएंगे। सही है, पता ही बातें इस तरह की बातें पता होनी चाहिए ऐसे, खुदा ना खासा यही मिस्टेक्स ना हुई हो पेपर में अगर मिलियंस। और एंड सेल वॉल्यूम रेशियो, ये वर्ड जरा एक याद रखना है, वैसे आपको पता है शायद, बताएं ये सेल वॉल्यूम का मतलब चले बताएं। वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस क्या? सही बताइएगा कोई अच्छा सा। नहीं वो तो ठीक है, और इसके अलावा? हाँ क्वांटिटी जी, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी होता है, तो सेल क्वांटिटी रेशियो। बाकी ठीक है, जिस बच्चे ने मिक्स बताई, असल में सेल मिक्स बताई हुई है, 2, 3, 5। इसका मतलब है, सुनिएगा मेरे वर्ड्स गौर से, बैच साइज 10 बन जाएगा, गिवन है शायद 2, 3, 5। सही कह रहा हूं? आगे बढ़ने पर देन वो कहता है फॉलोइंग एस्टिमेट्स पर्टेन टू द ईयर एंडिंग 31 नंबर 14। अब 13 का पहले कुछ डेटा दिया हुआ है, 14 के कुछ एस्टिमेट्स दे रहा है। क्या? नंबर 1, एवरेज सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 14% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 13 का डाटा है, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकती है 14% एंड 8%, मींस अगर 100 रुपये पहले सेल प्राइस थी तो 14% का मतलब है 114 हो जाएगी इस साल, अगले साल, और अगर 100 रुपये वेरिएबल कॉस्ट थी तो वो 108 हो जाएगी। 100% क्लियर है ये बातें? अब आपको पता ही बातें, आगे बढ़े। फिर वो कहता है नॉर्मल मार्केट ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 5% पर एनम। या कुछ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए बेटा। नॉर्मल मार्केट ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 5% पर एनम। अगर 100 यूनिट्स, अब देखिए मार्केट ग्रोथ का मतलब जरा बताएं, जरा जरा बच्चों से पूछेंगे तो पहले मार्केट ग्रोथ का मीनिंग क्या होगा, क्या समझ आता है इस लफ्ज से? इन्फ्लेशन नहीं, हाँ और सेल्स इंक्रीज इन कस्टमर्स हाँ ठीक है, ये सही वर्ड है। नहीं बेटा ये इन्फ्लेशन नहीं है ये, हाँ जी डिमांड, ये बेहतरीन वर्ड है, बेहतरीन वर्ड है डिमांड। इससे पहले किसी ने क्या कहा था, थोड़ा सा पीछे पड़ी, हाँ इंक्रीज इन कस्टमर, ये डिमांड, डिमांड बेहतरीन वर्ड है ये ना, इन्फ्लेशन नहीं। मार्केट ग्रोथ का मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, प्राइसेस से इसका इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब, इसका इफेक्ट है डिमांड ऑफ यूनिट्स। ऐसे नहीं, जा साहब ने क्या फरमाया था? हाँ इंक्रीज इन कस्टमर्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन डिमांड इनकी ठीक है, कस्टमर्स भी कहा जा सकता है, इंक्रीज इन कस्टमर्स भी ठीक है, डिमांड भी ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज असल में है ये, क्वांटिटी, इन्फ्लेशन नहीं। इन्फ्लेशन किन साहब ने कहा था? अहमद बेटा, ये इन्फ्लेशन बेटा नहीं, इन्फ्लेशन होती है प्राइसेस की, तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। हाँ जी, नहीं मतलब वैसे अमित शाह साहब ने एक एफर्ट तो अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा डी ट्रैक में। इन्फ्लेशन बेटा वो ऊपर है शायद, ये प्राइसेस का ये बताया हुआ अमित शाह साहब, सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय, ये इन्फ्लेशन है। समझ आ गई शाह साहब? मार्केट ग्रोथ
मतलब इसका ये बनेगा कि अगर 100 यूनिट्स बिक रहे थे 13 तक, तो 14 में 105 यूनिट्स बिकेंगे। अच्छा, बार बार आप नोट करें, मैं बार बार जब मुझे परसेंटेज नजर आती है तो मैं 100 कहता हूं। ये बात आपको भी पता, अचानक मैं कहना शुरू हो रहा था 100 अगर बिके हैं तो 105 हो गए। मैं क्यों कहता हूं 100 अगर थे? परसेंटेज का मीनिंग ही क्या होता है? हाँ, बेस ही 100, 5% है तो 5/100 है, 5/100 है। तो अब ये तो थी बड़ा नॉर्मल ग्रोथ, शायद ये एक्सपेक्टेड थी कि 100 ने 105 होना, ये नॉर्मल था। हाउएवर कंपनी प्लान्स टू लॉन्च एन अग्रेसिव मार्केट कंपेन, मार्केटिंग कंपेन फॉर विच एडिशनल एडवर्टीजमेंट बजट टू 50 मिलियन हैज अप्रूव्ड। हमारा लेकिन इरादा है कि हम कोई एग्रेसिव मार्केटिंग कंपेन करेंगे, बहुत ज्यादा मार्केटिंग कंपेन चलाएंगे, और उसके लिए 250 मिलियन का एक बजट रख लिया गया विद इंक्रीज एडवर्टीजमेंट। इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम फॉर ए बी एंड सी हैज बीन फोरकास्टेड एट 15%, 12% एंड 10%। मतलब बेटा ये बनेगा कि अगर एडवर्टीजमेंट ना की जाए फिर तो 100 की जगह 105 यूनिट्स बिकते, लेकिन एडवर्टीजमेंट की वजह से अगर आप यूनिट्स बेचेंगे एडवर्टीजमेंट के बाद, अगर बजट आपने यूनिट्स बेचेंगे एडवर्टीजमेंट की वजह से आपके जो यूनिट्स हैं वो ए के 100 की जगह 115 बिकेंगे, बी के 100 की जगह 112 बिकेंगे और सी के 100 की जगह 110 बिकेंगे। मेरे वर्ड्स 100% क्लियर है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस? अब आए रिक्वायरमेंट समझाएं। कहता है कंप्यूट द प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर 2014। अब देखें, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है 2013 का, फिर सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में कोई इंक्रीज लग रही है, तो मेरा ख्याल है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 14 का हम निकाल सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? एंड ये मीनिंग जरा आप बताएं, इसका क्या मतलब हुआ? इंपैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रॉफिट, ये कैसे करेंगे? कहता है एडवर्टाइजमेंट की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा, ये कैसे करेंगे? हेल्प करें। जी और नहीं, ये नहीं मैं कह रहा यार, बट आई एम सेइंग इज कि ये कैसे रिक्वायरमेंट सॉल्व करेंगे? और नहीं यार, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं। वो कहता इंपैक्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रॉफिट, वो कहता प्रॉफिट पे एडवर्टाइजमेंट की वजह से कितना फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, तो ये कैसे पता चलेगा? हम शायद एक वर्किंग करेंगे, 14 की वर्किंग्स करनी है, हम एक वर्किंग करेंगे विदाउट एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट विदाउट एडवर्टाइजमेंट, और फिर एक वर्किंग करनी चाहिए प्रॉफिट विद एडवर्टाइजमेंट। तो वहां से फिर कैलकुलेट हो सकता है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रॉफिट। क्या ख्याल है? मेरे दोबारा वर्ड सुने, इंपैक्ट निकालने के लिए शायद हम एक वर्किंग करेंगे प्रॉफिट विदाउट एडवर्टाइजमेंट, एंड दूसरी वर्किंग करेंगे प्रॉफिट विद एडवर्टाइजमेंट। क्या ख्याल है? एग्रीड है? रिक्वायरमेंट समझ आ गई है? चले बेटा, अब इसमें कोई नई चीज मेरा नहीं ख्याल है ऐसी जो आपको पता ना हो, कोशिश आपने भरपूर करनी है। What is the first thing that is required? Likhen projected contribution margin for 14. Likhen start ho raha.
are three products A, B and C. Calculator uthale, karni chahiye working ab aapko. What is the sale price 13 ki given hai? 14 mein sale price mein increase aa raha hai 14%. Kar de himmat. ठीक है करते जाएं. सेल प्राइस टेन थाउजेंड की जगह हो जाएगा 14% इनटू 1.14 हो सकता है. इस तरह की चीजें पता है 1.14 जो मैंने बोला समझ आता है. बताइए 1.14 वेरिएबल कॉस्ट बताएं. अच्छा एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट देख लीजिएगा 5000 है पहले 10000 5000 का फर्क 5000 इनटू 1.08 हो जाएगा. ये 1.8 नहीं होगा 8% है 80% हो जाएगा वो 5400. ये 5000 इनटू ये भी 5400 ही होगा. और उसके अलावा 3000 है सी में वेरिएबल कॉस्ट 1.08 3 to 40 8% वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है और सेल प्राइस में 14% चेंज है. हसनैन बेटा मिल गई फिगर्स यार. हसनैन अतीक साहब कौन कर 6000 पर यूनिट. Yes, 3720 यूनिट पर यूनिट और 2460 रुपीस पर यूनिट. 5700 माइनस 3240 कंफर्टेबल है प्लीज. स्पीड अप हो जाए फ्रेंडली. नेक्स्ट वर्किंग कर. प्रॉफिटेबिलिटी विद विदाउट सॉरी पहले कर विदाउट एडवर्टाइजमेंट. ये समझ आ रहा है ना प्लीज. एक विदाउट एडवर्टाइजमेंट वर्किंग कर रहा हूं एक विद एडवर्टाइजमेंट वर्किंग कर रहा हूं फिर इसका इंपैक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं. ये सारी थोड़ी हिम्मत करनी पड़नी है. प्रॉफिटेबिलिटी विद एडवर्टाइजमेंट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ. हमें क्या करना पड़ेगा. ये प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमें कुछ यूनिट्स चाहिए 2014 के. बिल्कुल ठीक है सर. 5% विदाउट एडवर्टाइजमेंट है. अब बेटा प्रॉब्लम बताएं जी क्या है. डाटा देखें जरा. 5% तो मिल रहा है. किस साल के यूनिट्स चाहिए तभी 5% और 10% वगैरह 15% आगे हो सकता है. कितने लोगों ने कहा
इस साल के यूनिट्स अगर मिलेंगे तो हम 14 में जाके ग्रोथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रोथ के यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें एक छोटी सी ना बड़ा वर्किंग करनी पड़नी, यूनिट्स सोल्ड इन 2013 की, पता आपको है, शायद कल भी किया है, बताएं क्या करें, थोड़ा जरा स्पीड अप होइएगा, बताएं क्या करें, सोचें, डेटा है शायद, नहीं जी, बिल्कुल ठीक है सर साहब, ने बिल्कुल ठीक है। और अच्छा ये एक चीज का आंसर बताइएगा, 15,600 मिलियन रुपीज ऑफ सेल है, ये सेल के रुपीज हैं, ये क्या 235, ये सेल क्वांटिटी का की रेशियो है, एक बैच है, ये 15,600 मिलियन रुपीज बने कैसे होंगे, बने कैसे होंगे, बैचेस मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू पर बैच। ये बेटा कल कल भी हुआ, परसों भी हुआ, दो तीन दिनों से मुसलसल ये काम हो रहा है, कोशिश करें जरा, ये क्वांटिटी है 15,600 मिलियन क्वांटिटी है, ये रुपीज है, ये रुपीज है, ये क्वांटिटी अगर होती तो क्वांटिटी का मिक्स अवेलेबल है, 2/10, 3/10, 5/10 स्ट्रेट वे हो जाता, लेकिन ये क्वांटिटी जो है, ये 15,600 मिलियन रुपए जो बने हुए, ये क्वांटिटी बैचेस की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू पर बैच, सेल प्राइस पर बैच से मल्टीप्लाई होगी, ये अमाउंट बनी होगी, मेरे वर्ड सही है? तो 15,600 को फिर आप डिवाइड होना चाहिए सेल प्राइस पर बैच से, फिर बैचेस निकलेंगे, फिर बैचेस से यूनिट्स निकलेंगे, हिम्मत कर लेंगे थोड़ी, मतलब अब रेवेन्यू पर बैच निकलवाएंगे, कैसे निकालूं रेवेन्यू पर बैच, नहीं कौन सा होगा, नहीं बेटा तीन, मेरा ख्याल है क्या आंसर बताया, एसपी पार्ट बैच इज इक्वल टू 5,400, नहीं 5,400 कैसे निकाल लिए सर जी, रेवेन्यू पर बैच 13 में फाइंड आउट करना है, 13 का भी फाइंड आउट होना है, ये 13 का यूनिट्स निकालने हमने, तो 10,000 रुपए इंटू प्लस 8,000 इंटू 3 और प्लस 5,000 इंटू 5, अतीक साहब आपने कैसे किया है, 56,000 कैसे निकाला था, यूनिट्स की तो सेल है, लेकिन यूनिट्स की सेल है या यूनिट्स किसी सर्टेन मिक्स में सेल है, यूनिट्स की सेल की अमाउंट है ना ये, या सिर्फ यूनिट्स है, इसमें सिर्फ यूनिट्स है या यूनिट्स का रेवेन्यू है, तो अब जो यूनिट्स हैं वो भी तो मिक्स में है ना, यूनिट्स भी तो किसी मिक्स में सेल हो रहे हैं,
यस सर, मतलब आंसर आएगा 69,000. व्हाट इज द 69,000? इट इज रेवेन्यू ऑफ अ बैच कंप्राइजिंग ऑफ 10 यूनिट्स इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 5. ये बटासन ओके. यस सर, यस सर, ये 69,000 समझ आ गया सर? क्या है, क्या है ये, क्या है, क्या है? सेल प्राइस पर बैच. अब क्या करूं, 15,600. अच्छा, पूरा अगर लिखना है देख लें, वो मिलियंस में आ जानी आंसर. मेरा ख्याल ऐसे परेशान हो गया आप. 1 मिनट, आप पूरी फिगर लिख लें. डिवाइडेड बाय 69,000 आंसर भेजें विद द वर्ड्स की आंसर है किस चीज का. पूरे 0 लगाइएगा. डबल एट 226087 बैचेस. जी पहले यहां तक बता दें, क्लियर है सबका? क्लियर है सब? कौन कह रहा है? कितने इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव? अब क्या आएगा? 2013 के यूनिट्स इंटू टू 452 174 यूनिट्स ऑफ ए 226087 इंटू थ्री 87678 261 यूनिट्स ऑफ बी एंड 226087 इंटू 511304 35 यूनिट्स ऑफ सी. कंफर्टेबल है सर? कंफर्टेबल है सर? नेक्स्ट सजेशन दें, नेक्स्ट क्या करूं? सारी स्टोरी देखें प्लीज, सजेस्ट करें क्या करूं, कैसे वर्किंग करूं आगे, क्या करूं, क्या सोचूं. जरूर पार्टिसिपेट करें प्लीज, गलत सही का बड़ा इशू नहीं होता है. सोचा करें क्या करूं. हैं, 100 से मल्टीप्लाई, ये कौन है? 105% से मल्टीप्लाई, 100 कह रहा है, 105 कह रहा है. 105 105 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक है. अच्छा एक बात आप जरा सुनिएगा, हमने यकीनन प्रॉफिटेबिलिटी की वर्किंग करनी है, लेकिन बड़ा पूरी इनकम स्टेटमेंट एज सच बनाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि मांगी नहीं है. इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी की कह रहा है, बात कर रहा है. मसलन मैं कहना ये चाहता हूं कि शायद इन यूनिट्स को इंटू 1.05 करके स्टेट बैंक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम अपनी वर्किंग फाइनल कर सकते हैं, रादर देन के पहले हम सेल निकालें फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालें. यकीन अगर इनकम स्टेटमेंट डिजायर हो, डिजायर कर रहा हो, फिर तो ये सब कुछ पूरा करें, अदरवाइज शायद टाइम सेव किया जा सकता है. क्या ख्याल है?
मसलन एक जरा मैं फिगर लिख देता हूँ, मेरा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसको स्ट्रेट अवे अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1.05 से तो यूनिट्स आ जाएंगे, और मेरा ख्याल है मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट अवे 6000 करके कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली निकाली जा सकती है, फिर उसका टोटल किया जा सकता है। क्या ख्याल है? ऑफ कोर्स अगर इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती फिर हमें पूरी बनानी चाहिए। समझ आ गई? चले करें फिर, कोई इतराज अगर किसी का है बता दे। देखिएगा कोई क्वेश्चन ना हो किसी को। अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अमाउंट्स को मिलियन में कन्वर्ट कर लें यार, करके देखें, कोशिश किया करें, इस तरह की बातें होनी चाहिए, समझ जानी चाहिए, टाइम वेस्टिंग है वरना बहुत लंबी लंबी फिगर्स आ रही हैं। मुझे मिलियंस में राउंड ऑफ करके बताना है आपने। ठीक है, किसी ने रहता रहता अगर वर्किंग किया तो एक ही बताए। और कौन सा बता रहे हैं? शाहजेब। बट शाहजेब कोई फिगर ठीक नहीं लग रही आपकी। ये अप्रोक्सीमेटली 2849 मिलियन बनता है, 2849 मिलियन। देख ले अल्लाह ताला पैसे अगर दे दे तो गिनेंगे कैसे इतने सारे, तो गिनने तो आने चाहिए यार, क्या पता होता है तो संभालते कहाँ फिरेंगे अगर गिने ना सके। कोई अकाउंटेंट अगर रख लेंगे आपको पता है, फिर वो अकाउंटेंट की नजर ना कहीं पैसे हो जाए। शायद बनता है ये समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मिलियंस में, मिलियंस में राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ। एट फोर वन एट मिलियन। ओके ओके सर, जी विदाउट एडवर्टाइजमेंट बात चल रही है सर। इस सवाल में से फिक्स कॉस्ट ढूंढें, अभी कंट्रीब्यूशन आई है, प्रॉफिट तक जाना है, अब क्या करें? सोचें सोचें सोचें, कोई फिक्स कॉस्ट। ए फिक्स कॉस्ट 8418। ये बेटा फिक्स कॉस्ट बताएं, कौन किसने भेजा है आंसर? अभी डाटा देखना, बताएं कोई पिछले साल की कोई फिक्स कॉस्ट है जिसकी कोई इंफॉर्मेशन हो, जिसे हम
अज्यूम कर सकें कि नेक्स्ट ईयर वही कंटिन्यू होगी? फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन असल में बेटा नहीं है यार, विदाउट एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा अगर फॉर एग्जांपल आप फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या करें फिर? मेरा तो ख्याल है कि जो कंट्रीब्यूशन होती है हमेशा वही फिक्स होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। सही कहा मैंने? वो सिर्फ किस केस में होती है? अगर ब्रेक इवन पॉइंट की वर्किंग हो रही हो। हाँ जी, कौन कह रहा है? शुक्र है यार, शुक्र है मशा साहब, शुक्र है। मैंने आपको झंझोड़ने की कोशिश की थी यार, तो शायद बस एक छोटी सी लाइन लिख लें, नो इंफॉर्मेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर यही कंट्रीब्यूशन तक बस हम वर्किंग कर सकते हैं यार। क्या ख्याल है? लेकिन बहरहाल अभी एक सेकंड मैं इसको फाइनल करता हूं आपके साथ। इस वक्त हमारे पास फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं, आप एक छोटी सी वर्किंग कर लें नेक्स्ट विदाउट विद एडवर्टाइजमेंट जरा, फिर मैं इसको फाइनल जरा आपके साथ डिस्कस करके बात खत्म करता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी विद एडवर्टाइजमेंट, परसेंटेज जरा सही ढूंढ लीजिएगा। ए की 452,174 जो यूनिट्स हैं ए के, उनकी अब इन्फ्लेशन का रेट है 1.15 हो जाएगा। इससे 100% एग्री करेंगे सारे? 1.15 लेना शुरू कर दिया मैंने। क्या कह रहे हैं, क्या कहना, दोबारा बोलिए। कौन सा भाई? स्टैंड बेटा आपका क्वेश्चन जरा थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, दोबारा पूछिएगा सर, और सर वर्ड्स थोड़े से और एक्सप्लेन कर दें। ये जो ग्रोथ की परसेंटेज ले रहा हूँ 15%, 12%, 10% एग्रीड है? क्वेश्चन देखिए, स्टैंड का क्वेश्चन दोबारा आएगा। ये बेटा स्टैंड जरा कैंडी पूछ ले, क्वेश्चन क्या पूछा था? किससे? 23,000 क्या है जी? 23,000 बेटा बता दें जरा। नहीं यार जी, आंसर भेज दें। थ्री वन टू जीरो मिलियन, मिलियंस में 678,261 इंटू 1.12 इंटू 3720। साहब क्या फरमा रहे हैं? नहीं ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल सही नहीं पढ़े, ख्वाजा साहब सही नहीं पढ़े। ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से नॉर्मल मार्केट ग्रोथ के इजाफे के साथ साथ ये इजाफा होगा। ये मेरा ख्याल ख्वाजा साहब आपकी खुद अजम्पशन है, ये नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि विदाउट एडवर्टाइजमेंट 5% है और विद एडवर्टाइजमेंट 15%, 12%, 10% है। ये नहीं लिखा हुआ कि 12%, 15%, 10% अबव नॉर्मल है। ख्वाजा साहब देख लें, ख्वाजा सज्जाद साहब से ये ख्वाजा साहब बेटा आप देख लें, मेरा ख्याल है आप
थोड़ा सा सही इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, वो फिर वर्ड्स थोड़े से और होने चाहिए। ये ख्वाज साहब जरा देख के बता दें, समझ आता है? शायद कुछ और वर्ड्स होने चाहिए थे। ये असलैन साहब का कोई आया दोबारा? असलैन बेटा क्या सवाल था यार? ओके जी हाँ सर, ओके ओके फौजा साहब कह रहे हैं, फौजा साहब आप फाइनल हुए हैं? ये फौजा साहब साहब, आपका सवाल अब दोबारा नहीं आ रहा बेटा, क्लियर हो गए हैं या है कोई मसला? 9005 आ गया जी सबका, प्रॉफिटेबिलिटी की वर्किंग करते हुए विद एडवर्टाइजमेंट 9005 तक पहुंच गए सारे। लेकिन बेटा इस केस में क्या ये कंट्रीब्यूशन जनरेट करने के लिए कोई और एक्सपेंस भी है? क्या यही प्रॉफिट है या कुछ और इसमें से भी लेस होना चाहिए आपके ख्याल में? सब लोग कैंडी बताइएगा, क्या लेस होना चाहिए इसमें से? 250 मिलियन और 250 ही लेस होगा क्योंकि मिलियंस में कन्वर्ट कर चुके हैं हम। सबको क्लियर है प्लीज, ये लेस कर रहा हूं मैं। सबका रिस्पॉन्स आ रहा है, बस एक दो का आगे। अच्छा बेटा एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा जरा, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट यकीनन यहां तो नहीं आएगी 58418 के नीचे, ये तो विदाउट एडवर्टाइजमेंट है। फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, लेकिन मेरे वर्ड सुनिएगा गौर से, क्या ये अंडरस्टूड बात है कि जो फिक्स कॉस्ट अदर देन एडवर्टाइजमेंट है वो यहां भी वही होगी? अगर कोई इसमें चेंज की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेट्स सेम 1000 है और यहां भी वही होगी अदर देन एडवर्टाइजमेंट। हजार है तो 1000 होगी, 2000 होगी तो 2000 होगी, 500 होगी तो 500 होगी, क्या जितनी वहां होगी उतनी ही यहां होगी? मैंने ये इसलिए बात की है कि शायद बेटा ये फिगर क्योंकि कांस्टेंट ही होगी, इसलिए जो कंट्रीब्यूशन में चेंज आ रहा होगा विदाउट दिस फिक्स कॉस्ट वही अल्टीमेटली प्रॉफिट में भी चेंज आ रहा होगा। सही है मेरे लफ्ज? अगर फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम है दोनों तरफ, सोच लेंगे ये बात। तो अगर फिक्स कॉस्ट नहीं भी है तो शायद जो नेट आंसर में डिफरेंस आएगा वही इंपैक्ट अल्टीमेटली प्रॉफिट पे होगा। पता नहीं मैं समझा पाया हूं या नहीं। बस सर जरा दोनों का डिफरेंस नहीं, जरा 8418 उधर है और 8755 इधर है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रॉफिट? प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय
337। लेकिन एक मिनट जो मैंने बात की थी, अगर मैं दोबारा एक ट्राई कर लूं, 337 की वर्किंग कर ली ना आपने, तब जरा देखिएगा, फर्स्ट टाइम जो करें, फिक्स कॉस्ट गिवन थी और वो यहां भी कांस्टेंट ही रहनी है, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है अनलेस वी हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन। इस केस में फिर 7418 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 7755। दोनों में जरा डिफरेंस लें, मेरी बात फॉलो की है सबने? अगर ये 500 होता फॉर एग्जाम्पल, फिक्स कॉस्ट 500 मिलियन होती तो डेफिनेटली प्रॉफिट की अमाउंट तो बदलती, लेकिन क्या इंपैक्ट वही रहता? देख ले माइनस 250 माइनस 500 कैलकुलेट करें जी, 8255 माइनस 7918। क्या सर जी डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट भी दोनों तरफ कांस्टेंट रहेगी? ये सबको पता है कि यूनिट्स चेंज हो भी जाएं तो फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है यार। तो इज इट रेलिवेंट कि हमें फिक्स कॉस्ट का पता हो, या अगर फिक्स कॉस्ट का नहीं भी पता तो विदाउट उसके भी हम सोच सकते हैं कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट? बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 337 मिलियन। 100% एग्रीड है मेरी स्टोरी से यार? जो हजरात 100% एग्रीड नहीं है वो बताएं, जो क्लियर है वो बस अल्हम्दुलिल्लाह कह लें खामोशी से। जी देखिए अगर कोई सवाल है। जी बेटा स्नैन आपका मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन रह गया फाइनल करने यार। स्नैन क्या मैं अज्यूम करूं सबको समझ आ गया, एक फाइनल यस कर दें तो 5-10 बंदे कर दिया करें यार। चलें बेटा फिर अभी टाइम तो बच गया, लेकिन मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन करना वो कल ही करेंगे। आप लोगों को घर के लिए काइंडली प्लीज केपीकी डेरीज रिविजन के लिए कहा है मैंने, सॉल्वेंट और हिमालयन रिवर्स ये दो फाइनल कीजिएगा, यहीं से इंशाल्लाह कल डिस्कशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल अल्लाह हाफिज़।